आप सभी को मेरा नमस्कार। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई शिक्षा विधि वाणिज्य विभाग और विश्वविद्यालय के महिला प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम हमारे साथ उपस्थित आदरणीय सभी अतिथियों का, आदरणीय शिक्षकों का और हमारे साथ उपस्थित सभी स्वयंसेवकों को मेरा जय हिंद। मेरा नाम मयंक साहू, मैं रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कृषि संकाय के चतुर्थ वर्ष का छात्र हूं और राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयंसेवक हूं। आदरणीय राष्ट्रीय सेवा योजना का सदैव से उद्देश्य समाज सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना अपने लक्ष्य गीत उठे समाज के लिए उठे और जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे का अनुसरण करते हुए सदैव से ही बाल संरक्षण, बाल अधिकार, महिला सशक्तिकरण और समाज से जुड़े हुए ऐसे ही मुद्दों के कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। आदरणीय, कुछ समय पश्चात कार्यक्रम महफूज आवास संस्थान जो भोपाल में है उनके सानिध्य में एक बाल संरक्षण अधिकार का ही हमारे विश्वविद्यालय में कार्यक्रम हुआ था। बाल अधिकार क्या है, बाल संरक्षण क्या है, बाल को जुड़े हुए कानून क्या है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए, इन्हीं सब बातों पर प्रकाश डालने के लिए आज हम सभी इस ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं, इस राष्ट्रीय वेबिनार से जुड़े हुए हैं। तो बिना देर के हुए सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय अतिथियों से आप सभी का परिचय करा देता हूं। सर्वप्रथम प्रथम वक्ता के रूप में हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हमें जिन्हें सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, वह है आदरणीय श्री सत्येंद्र जी पांडे। आप लगभग 2 वर्षों से सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कानून, दर्शन, साहित्य और समाजशास्त्र के आप विद्यार्थी रहे हैं। बाल अधिकार कार्यकर्ता, कार्यक्रम प्रबंधक, निवासी बचपन मध्य प्रदेश से। आदरणीय सर, समस्त विश्वविद्यालय की ओर से, आदरणीय शिक्षकों की ओर से, सभी स्वयंसेवकों की ओर से आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। द्वितीय वक्ता के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय श्रीमती रौली जी से भरे। रौली जी, रौली दीदी को हम लोग रौली दीदी करके बुलाते हैं और RTI राइट टू इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना का अधिकार जो है उसको कानून के रूप में लागू करने के लिए जिन गिने चुने 4-5 लोगों का उसमें योगदान था उसमें आदरणीय रौली दीदी का नाम आता है। सामाजिक कार्यकर्ता और आप मनरेगा विशेषज्ञ मध्य प्रदेश हैं। तृतीय वक्ता के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं, आज उन्हें भी हमें सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, आदरणीय श्री ब्रजेश जी चौहान सर। आप सदस्य हैं मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग से। तो यह हमारे समस्त अतिथियों का परिचय है, हमें इन सभी को आज सौभाग्य मिलेगा सुनने का। और आप अंत में, प्रोग्राम के अंत में हम एक चर्चा का सेशन भी रखेंगे, आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे उन सभी पर हम विस्तृत रूप से आज वार्ता करेंगे। तो बिना देर किए हुए मैं हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के कार्यक्रम अधिकारी आदरणीय श्री गब्बर सिंह सर को निवेदन करूंगा कि आप आए और स्वागत उद्बोधन हम सभी के सामने प्रस्तुत करें। आदरणीय गब्बर सिंह सर, बहुत बहुत धन्यवाद मयंक साहू जी। दुनिया भर में ख्याति प्राप्त कर रहे रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में मैं आप सब अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे सबसे महत्वपूर्ण वक्ता आदरणीय ब्रजेश चौहान जी का। आप मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य हैं और एक तरह से जहां जहां भी बच्चों पे शोषण होता है, उन पे अत्याचार होता है, आप उनकी उनके सामने ढाल बन के खड़े होते हैं उनको न्याय दिलवाने के लिए। आपका सर बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय सत्येंद्र पांडे जी हैं, मैं उन्हें भैया भी कहता हूं क्योंकि आप सारे बच्चों के प्यारे भैया हैं। भोपाल में या मध्य प्रदेश में जहां जहां भी बच्चे जिनको लोग छोड़ देते हैं, जिनको दर दर भटकने के लिए, आप उनको सहारा देते हैं। आदरणीय भैया का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और तृतीय वक्ता के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं आदरणीय रोली शिवहरे जी। आपको RTI पे विशेषज्ञता हासिल है, साथ ही मनरेगा पे आपने बहुत काम किया है। मध्य प्रदेश से लगा के राजस्थान में भी मैं आपका काम देख के आया हूँ। तो हम दीदी का भी बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
आगे की कार्रवाई मयंक साहू जी आगे बढ़ाएं। और बड़े ही आदर के साथ आप सभी के समक्ष आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय श्री सत्येन जी पांडे का। आदरणीय सर, सामाजिक न्याय और बचपन इस विषय पर हम सभी से चर्चा करेंगे, हम सभी से वार्ता करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदरणीय श्री सत्येंद्र सर, बहुत शुक्रिया सम्माननीय मयंक जी, और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के लिए, राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए, कि आपने एक बहुत ही संवेदनशील विषय पे बात करने के लिए हम लोगों को आमंत्रित किया है। और ये एक तरह से हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बड़ा अवसर है, और हम बहुत शुक्रिया आपको व्यक्त करते हैं कि आपने इस विषय पे बात करने के लिए हमको चुना। एक बात के लिए और खासतौर पे आपको बधाई देता हूँ कि आपने एक अच्छा पैनल इस विषय पर बात करने के लिए चुना है। हमारे साथ सम्माननीय ब्रजेश चौहान जी हैं, जो कि बाल आयोग के न केवल सदस्य हैं और इस नाते उनकी बड़ी भूमिका है, उसका निर्वाह वो सम्यक तरीके से करते रहे हैं पिछले 3 साल से, बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी जो संवेदना है वो हमेशा बच्चों के साथ रहती है। और इस कोरोना के समय में, लॉकडाउन के समय में, बच्चों के साथ खड़े होकर के जिस तरह से उन्होंने दिखाया है, वो मुझे लगता है कि हम सब लोग उसके प्रति, उनके प्रति बहुत अपना धन्यवाद अर्पित करते हैं। अगर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में बच्चों को फीस का सवाल जो है और स्कूल नहीं खोलने का जो सवाल है, उसमें बच्चों की एक तरह से उन्होंने मार्गदर्शक की तरह और गार्जियन की तरह काम किया है, इसलिए पूरे बच्चों की ओर से हम उनको धन्यवाद अर्पित करते हैं। हमारे साथ रोली है, और जैसा आप सभी ने बताया, वो एक बहुत सक्रिय साथी के तौर पर समाज के वंचित शोषित तबके के साथ रही हैं। सूचना के अधिकार कानून के क्रियान्वयन में उनका एक बड़ा भूमिका रही है उनकी, इसलिए आपका भी बहुत स्वागत और शुक्रिया। साथियों, आज विश्व सामाजिक न्याय दिवस है, और हम लोगों ने देखा कि पिछले एक दशक से संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में इस दिन को मनाया जाता है पूरी दुनिया में, सोशल जस्टिस के एक महत्वपूर्ण दिन के तौर पर। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको मनाना शुरू किया, तब काफी सारे देशों में उसको लेके बड़ा उत्साह था, खासतौर पे उन कम्युनिटीज के अंदर की जो कि अलग अलग वजहों से, अलग अलग कारणों से सामाजिक विकास की प्रक्रिया में थोड़ा पिछड़े हुए थे, वंचित थे, शोषित थे, कहीं ना कहीं उनको विकास की प्रक्रिया में मेनस्ट्रीम करने की और ज्यादा जरूरत थी। तो यूनाइटेड नेशन ने जब इस पहल को शुरू किया, तो दुनिया भर की सरकारें, दुनिया भर का सिविल सोसाइटी मूवमेंट, दुनिया भर का वॉलंटरी सेक्टर उनके साथ खड़ा हुआ, और तब से इस दिन को मनाना शुरू किया। लेकिन ये एक दिन है और एक तारीख है जहां से शुरू होता है 2009 से, पर इसके अलावा लगातार हम देखें कि पूरी दुनिया में सामाजिक न्याय की एक लंबी और सुदीर्घ परंपरा रही है, और तमाम सारे लोग उसको लेकर के चलने वाले रहे हैं। हम अगर अपने यहाँ देखते हैं तो भारत का संविधान हमको एक बड़े मार्गदर्शक दस्तावेज के तौर पर नजर आता है, सिद्धांत के तौर पर नजर आता है, जहां से कि हम सामाजिक न्याय को लेते हैं। अगर हम देखते हैं कि हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें जहां हम शुरू करते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया से, वहां से लेकर के हम लोग सामाजिक न्याय की स्थापना की बात करते हैं अपने संविधान में, तो हम उन शुरुआती देशों में हैं दुनिया के जो अपने देश के निर्माण की प्रक्रिया में सामाजिक न्याय को एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु के तौर पर स्वीकार करते हैं और अपनी जिम्मेवारी इसको मानते हैं। तो एक तो बात मुझे ये कहनी थी कि जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन हमारे सामने गाइडिंग प्रिंसिपल हो, लेकिन हमारे लिए हमारे देश का संविधान भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जहां से हम देश सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो एक तो ये था। दूसरा ये कह रहा था मैं कि जब हम भारत के संदर्भ में बात करते, माफ कीजिएगा, आप कुछ बोल रहे थे, आप कुछ बोल रहे थे गब्बर जी, आप म्यूट हैं। नहीं नहीं भैया, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। चलिए, तो भारत के संदर्भ में अगर हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो ये देखना होता है कि सामाजिक न्याय एक पॉजिटिव टर्म है जो इस बात के लिए लेके आया जाता है कि कुछ ऐसा है जहां पे न्याय करने की जरूरत है, कुछ ऐसा है जहां पे समानता लाने की जरूरत है, कुछ ऐसा है जहां पे भेदभाव है और उसको खत्म करने की जरूरत है।
तो तीन मुख्य सवाल हमको नजर आते हैं भारतीय समाज के संदर्भ में बात करते समय, और वो सवाल है कास्ट, क्लास और जेंडर, जाति, वर्ग और लिंग। अभी मैं पहले दो हिस्सों को फिलहाल रोकता हूं, हालांकि उनका बहुत महत्वपूर्ण मसला है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जब हम बच्चों के अधिकार की बात करते हैं तो कास्ट और क्लास का भी, लेकिन मैं जेंडर पर फोकस करने की कोशिश करता हूं। और ये इसलिए भी क्योंकि भारत में महिलाओं के सवालों को और बच्चों के सवालों को आमतौर पर एक साथ रखकर देखने का प्रयास किया जाता है। तो जेंडर की जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि भारतीय समाज की कुछ मुश्किलें हैं, इनहेरेंट मुश्किलें हैं, और उन मुश्किलों को पार पाए बिना आप समाज में बहुत ज्यादा सामाजिक न्याय की और बराबरी की उम्मीद नहीं कर सकते। तो जब हम भारतीय समाज की अच्छाइयों पर गर्व करते हैं, भारतीय समाज पर गर्व करते हैं, भारतीय राष्ट्र पर गर्व करते हैं, तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे समाज में जो कुछ महिलाओं और बच्चों के लिए उचित नहीं है उनको भेदभाव की ओर प्रवृत्त करता है और बराबरी से वंचित करता है, हमारी ये सामाजिक और वैश्विक जिम्मेवारी है कि हम उसको दूर करने के प्रति अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें। और अगर आप देखिएगा तो भारत में इसकी बड़ी सुदीर्घ परंपरा रही है। भारतीय नवजागरण जो था, जो राजा राम मोहन राय, विपिन चंद्र पाल से लेकर के तमाम सारे लोग उसका हिस्सा बने, और आखिर में वो पूरा होता है भारतीय संविधान के निर्माण के साथ। दरअसल भारत में देश का निर्माण हमारे संविधान के निर्माण के साथ संपन्न होता है। तो ये जो नवजागरण की परंपरा थी, ये जो आधुनिकता की परंपरा थी भारतीय समाज में, इसको अगर हम देखते हैं तो जो महिलाओं को एड्रेस करने का मसला है और बच्चों को एड्रेस करने का मसला है उसको हमें देखना होगा। और इसलिए ये बात जरूरी है कि भारतीय समाज में जो पितृसत्ता की परंपराएं, जो पितृसत्ता है, वो एक तरह से महिलाओं को वंचित करती है और उसी वजह से बच्चों को भी वंचित करती है। क्योंकि पितृसत्ता की एक मुश्किल ये है कि वो महिलाओं को संपत्ति की तरह ट्रीट करने के बारे में सोचती है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है। और अगर हम देखते हैं तो ये महिलाओं को एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के तौर पर विकसित होने से भी वंचित करती है। यही हाल बच्चों का भी है, क्योंकि बच्चों को भी हम एक तरह से परिवारों की संपत्ति के तौर पर देखने की प्रक्रिया रही है, समझदारी रही है, विचारधारा रही है। तो जब हम बच्चों को एक संपत्ति की तरह देखते हैं तो एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के तौर पर उनका देखा जाना रुकता है, और इसलिए उनके अधिकार भी बाधित होते हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी हम बच्चों के संरक्षण की बात करेंगे, महिलाओं के अधिकार की बात करेंगे, मुझे लगता है इस सवाल को हमें बहुत फोकस करना चाहिए कि क्या बच्चे और महिलाएं संपत्ति हैं या स्वतंत्र व्यक्तित्व है। तो इनको स्वतंत्र व्यक्तित्व के तौर पर हम देखते हैं कि तमाम आधुनिक विचारधारा में देखा जाता है, और इसलिए उनकी इंडिविजुअलिटी को बहुत महत्व दिया जाता है, दिया जाना चाहिए। महिलाओं पर बहुत बात हुई है, बहुत सारे कन्वेंशन है, बहुत सारा फेमिनिज्म का मूवमेंट है, भारतीय जो दर्शन है, भारतीय जो फिलॉसफी है, उसमें भी बहुत सारी भूमिका उनकी नजर आती है। बच्चों को अगर हम देखें तो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के तौर पे, इंडिविजुअल एंटिटी के तौर पर जो देखने की और रिकॉग्नाइज करने की जो बात है, वो 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार कन्वेंशन के बाद से प्रखर होती है और एक तरह से वैश्विक एजेंडा बनती है। अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलता है कि 1989 के कन्वेंशन के बाद पूरी दुनिया में जो कानून है वो चाइल्ड सेंट्रिक बनने की दिशा में प्रवृत्त होते हैं। तमाम सारे देश जो उस समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं, जिनमें हमारा अपना देश भी शामिल है, ये सब जो है अपनी नीतियों को, अपने कानूनों को, अपनी स्कीम्स को इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि उनमें बच्चों के अधिकार नजर आए। तो इस वजह से वो प्रक्रियाएं बनती हैं। हमारे देश में भी 1989 के बाद से, और खासतौर पर 1992 के बाद से, जब हमने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया, उसके बाद से तमाम सारे कानूनों का नेचर बदल जाता है। उसमें बाल अधिकार एक की फैक्टर के तौर पे हमको नजर आते हैं, चाहे वो किशोर न्याय अधिनियम हो, चाहे वो बाल श्रम प्रतिशोध अधिनियम हो, चाहे वो बाल विवाह अधिनियम हो, तमाम सारे कानून जो उसके बाद आते हैं उनमें ये चीजें हमको नजर आती हैं। चाइल्ड पॉलिसी की भी बात करते तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार कन्वेंशन है, ये बच्चों के अधिकारों को पहली बार एक तरह से एजेंडे पर लाता है और उनको व्याख्यात करने की कोशिश करता है। इसके बाद हमको पता चलता है कि बच्चों के अधिकारों को एक तरह से चार हिस्सों में बांटा गया।
जिसमें से जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। यूएनसीआरसी बहुत सारे अधिकारों की बात करता है, लेकिन जब उनको ग्रुपिंग करने की कोशिश करती है, बंचिंग करने की कोशिश करते हैं, तो चार मुख्य गुलदस्ते बनते हैं, राइट टू सर्वाइवल, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू पार्टिसिपेशन और राइट टू प्रोटेक्शन। ये मुख्य तौर पे एक तरह से बच्चों के अधिकारों का विमर्श यहां से खुलता है। और अगर आप देखिएगा कि दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों को लेकर के काम करने वाले जो संगठन हैं, जो संस्थाएं हैं, वो यहां से गवर्न होते हैं और इन चार अधिकारों को एक तरह से सूत्र वाक्य के तौर पे मंजूर करते हैं। जब हम बाल सुरक्षा की बात करते हैं, बच्चों की सुरक्षा की बात करते हैं, तो हम अपनी प्रेरणाएं वहीं से लेते हैं कि बच्चों की सुरक्षा का क्या मतलब। कई बार बच्चों की सुरक्षा का जो बहुत ऑर्थोडॉक्स मायना निकाला जाता है, वो ये निकाला जाता है कि एक पेरेंट के तौर पे, एक गार्जियन के तौर पे मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं अपने बच्चों को सुरक्षित रखूं। तो कई बार मैं इस जिम्मेवारी को एक अधिकार की तरह लेता हूं और उसमें बच्चों की सहभागिता जो है वो एकदम वल्नरेबल हो जाती है, कंप्रोमाइज हो जाती है। हम बच्चों की सुरक्षा के प्रति इतने चिंतित होते हैं, और यकीनन भारतीय समाज में हमारी ये जिम्मेवारी भी है, क्योंकि बच्चों की असुरक्षा है, ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, ये बहुत बुनियादी और बहुत स्थापित हुआ सवाल है। बच्चे हमारे समाज में सुरक्षित नहीं है, उनको सुरक्षित करना हमारी जिम्मेवारी है। और इसलिए अगर आप देखिएगा तो यूएनसीआरसी के बाद हमने बाल अधिकार आयोग अधिनियम बनाया, जिसमें राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग भी बनता है जीजे एक्ट के बाद, और राज्य का बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी बनता है। तो बच्चों के अधिकारों को संरक्षण की जरूरत है, ये हमने हमारी देश की संसद ने स्वीकार किया है। तो कई बार हम संरक्षण की जिम्मेवारी को इस हद तक पूरा करने लगते हैं कि बच्चों की सहभागिता कंप्रोमाइज हो जाती है। हम बच्चों से नहीं पूछते, उनसे बात नहीं करते कि उनकी सुरक्षा में हमको किन चीजों की जरूरत है, हम तय करते हैं और बच्चों को बता देते हैं। तो मुझे लगता है कि इस अप्रोच से हमको बचने की जरूरत है, बचना चाहिए। अब जब हम आते हैं बच्चों की सुरक्षा पर और संरक्षण पर, तो एक सवाल है जिस पर शायद रोली भी और आगे बात करेंगी कि एक तो हमें ये फर्क करना चाहिए कि बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण में अंतर है। बच्चों की सुरक्षा मतलब जो भी उनको सुरक्षित रखने की जो फौरी मुद्दे हमारे सामने आते हैं, मसलन उनके ऊपर कोई घटना हो जाती है, वो कहीं प्रताड़ित हो जाते हैं, वो कहीं बाल श्रम करते हुए नजर आते हैं, तो वो बच्चों की सुरक्षा एक तरह से वहां कंप्रोमाइज हो रही है। जब हम चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करते हैं, बाल संरक्षण की बात करते हैं, तो हम उस पूरे अम्ब्रेला सिस्टम को एक तरह से एड्रेस करने की कोशिश करते हैं जो बच्चों की सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए बनाया गया है या बनाए जाने की जरूरत है। तो जब भी हम चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करते हैं, हम बच्चों से थोड़ा आगे बढ़कर परिवार की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, कम्युनिटी लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सरकार और तंत्र की भी बात करते हैं। तो हम सब जिम्मेवार हैं बच्चों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, और हम में से कोई भी अगर चूक करता है, कोई भी अगर डिफॉल्ट करता है, तो बच्चों की सुरक्षा कंप्रोमाइज होती है। और इसलिए जब हम ये बात करते हैं, तो बेशक सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार को अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ लेने की आजादी नहीं दी जा सकती, लेकिन हमको ये भी याद रखना है कि हम सबकी भी जिम्मेवारी है, परिवार की भी, समाज की भी, सामाजिक संस्थाओं की भी, संगठनों की, और हम सब मिलकर जब इस जिम्मेवारी को पूरा करेंगे, तब जाकर के बच्चों की सुरक्षा को और संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो इसके पहले कि मैं अपनी बात को खत्म करूं, मुख्य तौर पर चार पांच तरह के सवाल हैं जो बच्चों के संरक्षण की दिशा में हम लोगों को नजर आते हैं। हम लोगों ने एक बहुत इंटेंसिव एक्सरसाइज किया भोपाल में बच्चों के साथ, लगभग सभी जो वार्ड्स हैं उनमें बच्चों के साथ बात की और भी कई सारे उसमें बात की, खासतौर पे कोरोना और लॉकडाउन के समय में। तो चार पांच तरह की चीजें, चार पांच तरह के मुद्दे हम लोगों को नजर आए। पहला मुद्दा है कि चाइल्ड लेबर बड़ी संख्या में हमको बढ़ता हुआ नजर आता है। हम लोगों को ये नजर आता है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो पहले बच्चे काम नहीं करते थे, अभी उनमें काम कर रहे हैं। कुछ सेक्टर कम भी हुए लेकिन बहुत सारे सेक्टर बढ़ गए, खासतौर पर सब्जी की दुकान और दहेड़ी वाले जो रेहड़ी पटरी वाले जो व्यवसाय हैं, उनमें बच्चे हमको बड़ी संख्या में नजर आते हैं। तो बाल श्रम बहुत बड़ा, क्योंकि परिवारों में जो वयस्कों का रोजगार था वो कम हुआ है, बहुत कम।
ऐसी स्थिति में परिवार का भरण पोषण करने के लिए ज्यादा आमदनी की जरूरत है और इसलिए बच्चे जो है वो काम करने के लिए निकलते। इसमें एक और मसला ये था कि चूंकि स्कूल बंद थे, पहले बच्चे स्कूल जाए और जब स्कूल नहीं जा रहे हैं तो घर पर बैठ के क्या करें, और इसलिए वो बाल श्रम में जाने लगे। और हमको ये डर है, हम सब बालायोग वगैरह हम सब लोग बहुत चिंतित थे कि ये जो बच्चे इस दौर में कोरोना काल में स्कूल छोड़ करके चले गए हैं बाल श्रम में, ये क्या कभी अपने जीवन में स्कूल में वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो ये बड़ा सवाल हमारे सामने है और पूरा समाज और बच्चों पे काम करने वाले लोग चिंतित हैं कि आखिर इस सवाल को कैसे हल किया जाए। एक मसला तो वो है। दूसरा मसला ये है कि बड़ी संख्या में लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद में, खासतौर पर जब अनलॉक हुआ और शादियां होना शुरू हुआ, तो बहुत बड़ी तादाद में लड़कियों की शादी चाइल्ड मैरिज कर दी गई, बच्चों की भी और लड़कियों की खासतौर पर। ये बहुत बड़ी संख्या हम लोगों को भोपाल में नजर आती है, भोपाल के बाहर भी होगी, लेकिन बड़ी संख्या में बाल विवाह हुए हैं क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें थी। एक तो जल्दबाजी में करना, बहुत सारा जीवन का संकट भी है, कल पता नहीं क्या होगा, ये जो अनिश्चितता का वातावरण था, चाहे बच्चों की सुरक्षा की जो स्थितियां उत्पन्न हो रही थी उनकी वजह से बाल विवाह की संख्या बहुत बढ़ गई। तो ये तीसरा मुद्दा था। बच्चों के प्रति हिंसा बढ़ी, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा, क्योंकि पहले परिवार के बड़े लोग वयस्क लोग काम पे जाते थे, शाम को लौट के घर आते थे और हिंसा होती थी। अब परिवार के सारे लोग दिन भर घर में थे, काम छूट गया है, रोज आमदनी है नहीं, रोजगार खत्म हो गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। तो जो साइको सोशल इश्यूज पैदा हो रहे थे, जो मनोवैज्ञानिक मुश्किलें पैदा हो रही थी, वो जो तनाव था, वो जो फ्रस्ट्रेशन था, वो बच्चों पे निकल रहा था, महिलाओं पे निकल रहा था। इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस बड़ी तादाद में बढ़ता है और बच्चे हिंसा का शिकार होते हैं। बच्चे सेक्सुअल वायलेंस का भी शिकार होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बच्चों पर होने वाला जो सेक्सुअल वायलेंस है उसका 85% जो उसमें जो पार्टिसिपेशन है वो जानने पहचानने वाले लोगों के साथ का है, परिवार के लोगों का है, रिश्तेदारों का है, ये NCRB का डाटा है। और चूंकि परिवार के लोग घर में ही है, इसलिए ये सेक्सुअल वायलेंस भी हमको बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि उस तरह के फ्रस्ट्रेशन भी पैदा हो रहे थे। तो वायलेंस बढ़ता है, नॉट ओनली सेक्सुअल वायलेंस बट वायलेंस, हिंसा अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मारपीट से लेकर के मनोवैज्ञानिक और मानसिक प्रताड़ना, ये सब बढ़ता है। तो ये एक मुद्दा था। चौथा जो मुद्दा था जो हम लोगों को नजर आता था कोरोना काल में हुआ, वो ये हुआ कि पहले हम लोग बच्चों को मोबाइल देने से इनकार करते थे, स्कूल मना करते थे, चूंकि कोरोना काल में स्कूल बंद हो गए तो हम लोगों ने बच्चों को मोबाइल खरीद के दिए कि वो ऑनलाइन क्लास कर पाए। और एक बार जब बच्चे ऑनलाइन क्लास में जाते हैं और उनके पास इंटरनेट का एक्सेस होता है 2 GB डाटा पर डे का, तो दिन भर बच्चे क्या कर रहे हैं मोबाइल में, इस पर किसी का एक्सेस नहीं होता। माता पिता काम पे चले जाते हैं और इसकी वजह से बच्चे आसान शिकार बनते हैं पोर्न वेबसाइट का, और जो फिशर्स हैं, जो साइबर अपराधी हैं, उनका शिकार बनते हैं बच्चे। और इस वजह से बहुत सारे बच्चे पोर्न साइट का के एडिक्ट होते हैं। एक घटना हम लोगों ने देखी और कई सारी घटनाएं हम लोगों ने देखी, एक बच्चा जो है वो इंटरनेट फ्रॉड का शिकार बनता है ऑनलाइन गेम का और 50,000 रुपए ऑनलाइन गेम में हार जाता है, परिणाम ये होता है कि वो आत्महत्या कर लेता है, 15 साल का बच्चा। दूसरी घटना हम लोगों ने देखी जिसमें 2 cousins हैं और वो ऑनलाइन क्लास के बहाने मोबाइल देखते हैं, सीखते हैं, फोन साइट पे जाते हैं, उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशन बनता है और लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि हम किस समाज में जा रहे हैं, हम किस तरह की मानसिकता में अपने बच्चों को धकेल रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको लेकर के हमें लगता है कि बहुत चिंतित होने की, बहुत संजीदा होने की जरूरत है। और अगर इन सवालों को हमने अपने समय पे एड्रेस नहीं किया तो कल जाकर कि ये एक विस्फोटक स्थिति की ओर हमारे समाज को ले जाएं। तो अपने बच्चों को ऑनलाइन फ्रॉड से और साइबर से क्राइम से बचाने की जरूरत है, बाल विवाह से, बाल श्रम से, बाल लैंगिक शोषण से बचाने की जरूरत है। और जाहिर है कि ये अपने आप में सामाजिक न्याय की दिशा में उठा हुआ एक बड़ा कदम होगा, और इसलिए हम सब अपनी जिम्मेवारी महसूस करें। सरकार की जिम्मेवारी है और उसको याद दिलाते रहिए, पर हमारी भी जिम्मेवारी है, उसको भी याद रखिए, हमारे परिवारों में
हमारे समाज में, हमारे आसपास जो बच्चे हैं वो इन समस्याओं का शिकार ना हो और इस वजह से असुरक्षित ना हो जाएं, ये हम सबकी जिम्मेवारी। तो मुझे लगता है कि इसके लिए हम जहां भी जो भी है, व्यक्तिगत रूप से भी, संस्थागत रूप से भी, संगठन के तौर पे भी, अपनी जो शासकीय जिम्मेवारी है उसके तौर पे भी, हम जितना योगदान कर सकते हैं करने की जरूरत है। फिलहाल मैं यहां अपनी बात समाप्त करता हूं, आगे अगर कोई और सवाल होगा और साथी अगर कोई बात करेंगे तो मैं जरूर अपना योगदान दूंगा। बहुत शुक्रिया साथी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने बाल संरक्षण के इतने गहन मुद्दों से हम सभी का परिचय कराया। और आप सभी के जो भी क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन एंड आंसर का जो है टैब आ रहा होगा, एक टास्क आ रहा होगा, उस पर आप जो है अपने सवाल हम सभी से पूछ सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में हम सभी सवालों के जवाब आदरणीय अतिथियों से लेंगे। कार्यक्रम की इसी वेला को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे अगले अतिथि, हमारे अगले वक्ता से आप सभी का परिचय कराना चाहूंगा। आदरणीय श्रीमती रौली जी से भरे, आप सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में मनरेगा की क्या भूमिका है, इस विषय पर अपने विचार रखेंगे। मैं बड़े ही स्नेह के साथ आप सभी के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय श्रीमती रौली रौली दीदी का। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर की रेखा मैडम, गब्बर, मयंक और जो भी साथी इस सेमिनार में जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब इस धन्यवाद के लिए दो तीन बहुत, मुझे लगता है, बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं। पहला धन्यवाद तो शायद इसलिए क्योंकि आपने एक आज बहुत सही दिन पर, जिसको कि हम सामाजिक न्याय का दिन कहते हैं, आपने उस कॉन्टेक्स्ट में ये चर्चा रखी है। तो क्योंकि आज हम लोग भी कुछ एक सेमिनार कुछ प्लान कर रहे थे, क्योंकि कोरोना के चलते अभी किसी के लिए भी संभव नहीं है कि वो ऑफलाइन कर पाए, तो हम लोग भी कर रहे थे पर कुछ परिस्थितियों की वजह से हमारा वो सेमिनार नहीं हो पाया। लेकिन ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छा हुआ कि आज कम से कम इस दिन मुझे किसी सोशल इश्यूज पर बात करने का हमको एक मौका मिला और आप सब युवाओं के साथ संवाद करने का एक मौका मिला। तो सामाजिक न्याय अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरी बात यह है कि जो विषय आपने मुझे दिया है वो विषय भी आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको कि हम मनरेगा कहते हैं। मनरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट करके एक सरकार का एक प्रोग्राम है, एक कानून है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में आज हम आपके आज मैं मतलब आप सबके सामने कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। ये जो कानून है महात्मा मनरेगा, जिस कानून की बात को हम कह रहे हैं, ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि आप सब ने कोरोना काल में एक बहुत दुखदायी एक दृश्य देखा होगा कि जब बहुत सारे मजदूर पैदल चल के अपने घरों की तरफ आ रहे थे, तब आप में से कई सारे एनएसएस के जो कुछ साथी हैं वो हमारे साथ, क्योंकि हमने सूखी सेवनिया पे जो जो भोपाल विदिशा जो एक बॉर्डर है वहां पर हमने अपना एक किचन सेटअप किया था, तो आप में से कई सारे साथी कुछ एनएसएस वॉलंटियर हमारी वहां मदद भी करने आए थे। तो हम उन जो मजदूर वहां से, कोई कुछ लोग पैदल चल के जा रहे थे तो कुछ ऑटो में जा रहे थे, कुछ बस में भर के जा रहे थे, क्योंकि तो हम लोगों ने वहां पर एक किचन एस्टेब्लिश किया था और वहां पर हम लोगों को खाना पानी जो भी उनके पास, जो भी उनके जरूरत के सामान है वो हम उन तक पहुंचा रहे थे। तो ये जो कोरोना के समय जब ये मजदूर जा रहे थे, तो बहुत बड़ा एक सवाल हमने एक देखा कि ये जो पलायन है वो अपने आप में देश में बहुत हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एक इशू उभर के आ रहा था, कि हम देख रहे थे कि लाखों की तादाद में लोग निकल रहे हैं। और जब हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की कि आप क्यों वापस जा रहे हैं या आप अपने गांव से शहर की तरफ आपने क्यों पलायन किया, तो ज्यादातर लोगों का जो इसमें एक कहना चाहिए एक जो विचार था वो ये विचार था कि अगर, क्योंकि वो बहुत परेशान थे मतलब अपने शहर से जब वो वापस गांव आ रहे थे, तो उनका सिर्फ एक यही सवाल था कि अगर मुझे गांव में अगर काम मिलता तो मैं बिल्कुल शहर की तरफ कभी नहीं जाता, क्योंकि किसको अच्छा लगता है अपना गांव अपना जमीन छोड़ना। तो ये एक बहुत बड़ी एक नीड उस टाइम निकल कर आ रही थी कि गांव में ही कुछ इस तरीके से हो। तब फिर हमें एक बार फिर याद आया, क्योंकि ये कानून, जिस कानून के आज मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ, ये 2006 में ये कानून बहुत लड़ाइयों के बाद आया है। जनरली हम देखते हैं कि कानून जब आते हैं तो सरकार कानून बनाती है, लेकिन देश के ये जो मनरेगा है, ये देश के उन कानूनों में से एक कानून है जिसकी लड़ाई लोगों द्वारा लड़ी गई। जैसे कि एक और कानून है जिसका नाम है सूचना का अधिकार, वो भी लोगों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा
लड़ाई की गई उस कानून के लिए। इसी प्रकार ये जो कानून है जिसका नाम है, पहले इसका नाम नरेगा हुआ करता था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, लेकिन अब इसको बाद में इसका नाम बदलकर उसको मनरेगा कर दिया है, तो महात्मा गांधी इसमें आगे जोड़ दिया गया है। तो ये कानून अपने आप में इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर लोगों को गांव में काम मिलता तो लोग कभी नहीं आते, तो ये पूरा गांव में काम, लोगों को गांव में ही काम मिले, तो इस कॉन्टेक्स्ट से 2006 में ये कानून बहुत लड़ाई बहुत संघर्षों के बाद इस देश में लागू किया। आप देखेंगे इस कानून को तो बहुत सोच समझ कर इस कानून को एक एक कदम पर, और खासकर सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इस कानून में जब आप देखेंगे तो एक एक वर्ग का ख्याल रखा गया है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो बीपीएल परिवार का हो। बीपीएल शायद आप समझते होंगे गरीबी रेखा के जो नीचे, जिनके पास पीला राशन कार्ड होता है या सफेद राशन कार्ड होता है, उस प्रकार के जो लोग हैं उनके लिए भी है, अमीर वर्ग के लोगों के लिए भी है। फिर इसके अलावा हम देखें तो जो विकलांग जो लोग साथी हैं हमारे, उनके लिए भी इस कानून में प्रोविजन है, बुजुर्गों के लिए भी प्रोविजन है, महिलाओं के लिए प्रोविजन है। तो बहुत सारी चीजों को देखते हुए एक सामाजिक न्याय, मतलब हर एक व्यक्ति समाज के हर एक वर्ग को बराबरी से इस कानून में देखा गया है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि रोजगार अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है, हम सब के लिए, युवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है, तो ऐसे ही गांव में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी रोजगार एक बहुत बड़ा मसला है। तो 2006 में जब हम इस कानून की लड़ाई लड़ मतलब जब ये 2006 के पहले जब हम इस कानून की लड़ाई लड़ रहे थे, तब फिर हमें सब एक बात हमें समझ में आ रही थी कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना हुआ करती थी, स्वर्ण ग्रामीण, आप मतलब आपको शायद नहीं पता होगा, पर आप कभी अपने माता पिता से, जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं वो अगर अपने माता पिता से पूछेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कई सारी ऐसी योजनाएं थी।